with Ranveer Vishwakarma and have a speech. Ranveer, please give your मैं रंजीत विश्वकर्मा सेमेस्टर 3 बिहार विभाग। मैं आज ये गांधी जी की 150 जयंती पर एक गांधी जी के ऊपर एक सपनों का भारत के ऊपर एक भाषण देने वाला। आज गांधी जी के सपनों के भारत पर कुछ बात करना चाहता हूँ। गांधी जी आधुनिक काल के महास्वामी के दूत है, जिस काल में सत्य अहिंसा का कोई मोल नहीं उस काल में गांधी जी ने सत्य अहिंसा का पैगाम लेकर आया। गांधी जी ने भारतवर्ष में जितने भी आंदोलन चलाए थे, सभी आंदोलनों में सत्य और अहिंसा को अपना आधार बनाकर आंदोलन चलाया और सभी सफलता पाया। गांधी जी भारत को आजाद कराने के बाद से भारत की रचना अपने सपने के अनुसार करना चाहते थे। गांधी जी के जो है सपने का भारत में कुछ सपने इस प्रकार थे, जैसे स्वदेशी का सम्मान, नारी का सम्मान, किसानों की स्थिति में सुधार और आदर्श समाज की संरचना। पहले बात करें तो स्वदेशी का सम्मान, गांधी जी कहते गांधी जी का सपना भारत सबसे महत्व था कि हम स्वदेशी का सम्मान करेंगे। उसमें क्या था कि हम जिस स्वदेशी का सम्मान करेंगे तो हमारे देश के उद्योग कारीगर मजदूर को बढ़ावा मिलेगा और हमारे देश का जो धन हमारे देश में रहेगा, किसी और देश में नहीं जाएगा। लेकिन आज क्या है कि आज हम अपने देश का 1% भी सामान का यूज नहीं कर रहे हैं, सभी हम दूसरे देशों पर आधारित है। हमारे देश के उद्योग धंधे ठप पड़ चुके हैं। हम दूसरे देशों के सामान को उपयोग करने से हमारे संस्कृति का भी ह्रास हुआ है। लॉर्ड मैकाले तत्कालीन गवर्नर जनरल की बात कहे थे कि हम यहाँ के लोगों को मानसिक रूप से भारतीय तथा शारीरिक रूप से अंग्रेज मान लें। कहीं ना कहीं इनके द्वारा कहीं कई बात जो है आशाजनक जा रही है, जिस कारण से देखें तो गांधी जी का जो स्वदेशी का सपना जो है अधूरा है। बात करें किसान की स्थिति में सुधार, गांधी जी कहते थे कि किसान तभी मतलब कृषि करने के लिए प्रेरित होगा जब उसे सही ऋण और हर सुविधा प्रदान की जाएगी। लेकिन आज समय ऐसा नहीं हो रहा, किसानों को मतलब कृषि के नाम पर उन्हें बहुत शोषित किया जा रहा है, उन्हें कृषि के लिए सही ऋण नहीं मुहैया कराया जा रहा है, उन्हें अगर ऋण भी मुहैया कराया जा रहा है तो कम ऋण भी कराया जा रहा है। ये जानकर आपको आश्चर्य होगा कि हमारे भारत देश में सबसे ज्यादा कृषि करने वाला है वो जो प्रत्येक साल जो नारी हमारे समाज का दर्पण है, जितना हमारे समाज में नारी सुरक्षित रहेगी उतना हमारा समाज साफ और सुरक्षित दिखेगा। नारी महात्मा गांधी कहते हैं कि नारी जब गर्भावस्था रहती है तो उसे असह्य दर्द का सामना करना पड़ता है, जिस कारण वो जेल भी है। लेकिन आज देखते तो समाज हमारे स्त्रियों की स्थिति जो है बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, उन्हें मतलब कई तरह पर कानूनों का झेलना पड़ता है, उन्हें ऊपर कई तरह के व्यवहार किए जाते हैं, उन्हें मतलब सामाजिक पर ताना भी झेलनी पड़ती है, जिस कारण से नारी समाज का भी ये जो है सपना है अधूरा है। अब बात करें आदर्श समाज की स्थापना, तो गांधी जी का जो सोच था सत्य अहिंसा पर आधारित था, वो अगर इस समाज की स्थापना होती तो उसमें पुलिस की चाहे सेना की कोई आवश्यकता नहीं होती। लेकिन आज देखा जाए अगर हमारे समाज में अगर पुलिस और सेना का कोई अगर सहयोग ना हो तो हमारा समाज बहुत ही हिंसक रूप लेगा। अब आज निश्चित तौर पर कहें कि आज़ादी के 70 साल हो गए हैं, लेकिन गांधी का देखा जाए तो सपना भारत का आज़ादी के 70 साल बीत चुका है, लेकिन देखा जाए तो भारत गांधी जी के एक सपने पर भी खड़ा नहीं हुआ है। अगर आज गांधी जी वर्तमान समय में होते तो इस भारत को कभी ना स्वीकार करते।